हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब याचना नहीं रण होगा, ऐसा मानना है घनश्याम तिवारी जी का, जिन्होंने आज छोड़ी बीजेपी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा अपना इस्तीफा और अब वो अपनी नई पार्टी भारत वाहिनी पार्टी से प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी छोड़ने का बताया उन्होंने दुख। आज 25 जून को मीडिया के सामने मुखातिब होकर उन्होंने ऐलान किया। वर्तमान भाजपा सरकार ने बीते 4.5 साल में केंद्र के कुछ नेताओं के मिलीभगत से चारागाह समझकर राजस्थान को लूटने का काम किया है। प्रदेश में सरकार की मुखिया के नेतृत्व में कुछ मंत्रियों तथा अफसरों की एक ऐसी मंडली बन गई है जिसकी एक सूत्री लक्ष्य है जनता की जेब कतरना और राज्य की संपदा पर डाका डालना। राजस्थान में भाजपा सरकार के मुखिया द्वारा प्रतिदिन भ्रष्टाचार की नई नई योजनाएं ईजाद की जा रही। कभी अपने चहेतों को मलाईदार प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति देकर तो कभी राजनीतिक नियुक्तियां देकर प्रदेश भर में पैसा वसूली का काम किया जा रहा है। फिर कभी इन भ्रष्टों को संरक्षण देने के लिए प्रदेश में काला कानून कहलाया जाता है तो कभी तुगलकी फरमान जारी करते हुए राज्य की जनता की संपत्ति पर आजन्म कब्जे का मनसूबों को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि 13 सिविल लाइन के 2000 करोड़ से अधिक के सरकारी बंगले पर आजन्म कब्जे का मंत्री वेतन संशोधन विधेयक। राजस्थान प्रदेश और देश में आज जो अघोषित आपातकाल लागू है वह घोषित आपातकाल से अधिक खतरनाक है। इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करने को मैं तत्पर हूँ और कमर कसकर तैयार हूँ। ईश्वर का मैं शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझे 1975 के आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष का अवसर दिया। वर्तमान में देश प्रदेश में लगे अघोषित आपातकाल के विरुद्ध ईश्वर मुझे मैदान में उतार रहे हैं, यह उनकी कृपा ही है। पिछले आपातकाल के बाद ये सुनिश्चित हुआ कि कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश में लोकतंत्र वर्तमान में अघोषित आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़कर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई अहंकारोन्मादी अपनी सत्ता लोलुपता में लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला न घोट सके। इस ऐलान के बाद देखते हैं बाकी बीजेपी के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी चर्चा पर और खबरें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ जागरूक टीवी राजस्थान।